हेलो एवरीवन, कुकिंग विद बख्शी चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, बहुत पूजा धूमधाम से हो रही है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हम मोदक बनाएंगे और सबको गणपति बप्पा मोरिया। आज हम बनाएंगे पनीर से मोदक। पनीर और मिल्क पाउडर, खोया नहीं डालेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे जो प्योर है, और वो हम उसमें डाल के उसको बनाएंगे। पनीर अच्छी कंपनी का लेते हैं तो खुद ऑयल छोड़ देता है, तो प्योर चीज़ खाएं। घर घर में मोदक बन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर, डालेंगे इसके अंदर ये मिल्क पाउडर है, आधी कटोरी मिल्क पाउडर डाल देंगे। धीरे धीरे इसको हिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर मिला के अब इसको धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें आधी कटोरी से थोड़ी कम चीनी डालेंगे। आधी कटोरी से कम थोड़ी चीनी डालेंगे क्यों, कि मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा मीठा होता है। थोड़ी कम चीनी खाना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने बहुत मीठा खाना है। गैस ऑफ कर दिए, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए तो फिर मोदक बनाएंगे। ठंडा हो जाएगा तो मोदक बनाते हैं। तो थोड़ा कलर मिला देंगे, येलो कलर, येलो कलर मिलाएंगे इसमें थोड़ा, जिससे इससे इसका कलर केसर डालने से येलो हो जाए। आप ऐसे लेके डाल के अच्छी तरह से और उसको निकालें। सांचे में पहले नीचे थोड़ा सा घी लगाएं, हल्का सा लगा के, और ये ऐसे गुलाब का एक ये पत्ता लगा के नीचे, और फिर आप इसको सांचे को लगा के ऐसे ये भर के इसके अंदर ऐसे थोड़ी देर सेट होने दें। सेट होने दें, सेट हो जाएगा, आप इसको निकाल लें। ये इस तरह से निकल आएगा, इस तरह से हमारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं, और ये गणेश जी को भोग लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से मोदक बना के आप गणेश जी को भोग लगाएं, बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये पनीर के मोदक हैं, आप सूजी के बना सकते हैं, खोए के बना सकते हैं, चावल के आटे के भी बना सकते हैं, बहुत तरह के बनते हैं मोदक। तो आप इसी तरह से मोदक बना के भगवान को भोग लगाएं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।